जब व्रत होता है तो मीठे खाने का मन तो जरूर करता है, तो झटपट से कुछ मीठा बन जाए यही सोच के मैं आज की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे फलाहारी बर्फी, जो बहुत ही जल्दी सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। इसे हम बनाएंगे बिना किसी खोए के, बिना किसी मिल्क पाउडर के और बिना किसी समा के चावल के। ये बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाएगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। व्रत या उपवास से रिलेटेड और रेसिपीज देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये फलाहारी बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब देसी घी। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कटोरी राजगिरे का आटा। राजगिरे का आटा हम उपवास में खाते हैं। अगर आप राजगिरे का आटा नहीं खाते हैं तो सिंघाड़े का जो आटा होता है वो भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। राजगिरे के आटे को घी में 2 से 3 मिनट ही हमें केवल भूनना है। फटाफट से आटा पक जाता है तो 2 से 3 मिनट में ये जो आटा है ये अच्छे तरीके से भुन गया, ये देखिए। अब इसे ठंडा करने के लिए मैं एक बाउल में यहाँ पे निकाल लेती हूँ। अभी इस वक्त आटा गर्म है तो इसको थोड़ा 2 मिनट से 3 मिनट में ठंडा करने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। आटा ठंडा हो गया है, अब इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी के करीब पिसी चीनी। अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेशो क्या लिया है, 1.5 कटोरी राजगिरे का आटा लिया है तो उस हिसाब से मैंने 3/4 कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा चॉप किया हुआ पिस्ता डाल रही हूँ तो इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हमें इसका एक आटा लगाना है, सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध मिलाना है और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। मैंने यहाँ पे कुल मिला के 1/4 कटोरी के करीब दूध यूज़ किया है, ये देखिए। बहुत आसानी से आटा मर जाएगा, एकदम सॉफ्ट आटा लगेगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसका आटा लगाना है। तो ये देखिए ये आटा लग गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है, इसको हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। थोड़ा घी लगा लेंगे प्लेट में। इसके बाद जो हमने ये आटा लगाया था इसे इस पे रखेंगे और हाथ से ही हम इसे फैलाएंगे। तो मैंने यहाँ उंगली पे थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे इस तरीके से देखिए मैं फैला रही हूँ। हाथ से दबाते हुए हमें इसे गोल या चौकोर आकार में फैला लेना है। हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे फैला लेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, नॉर्मल मीडियम सी इसकी थिकनेस रखनी है। तो आटा तो सॉफ्ट लगा है, आराम से ये फैल जाएगा। आप एक स्पैटुला या फिर चम्मच की हेल्प से भी इसको आकार दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे शेप दे दिया। इसे हमें रखने की, ठंडा करने की, जमने के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट से हम तुरंत ही इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कटर की हेल्प से इसे बर्फी की शेप में, स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप मन चाहे आकार में काट सकते हैं, चक्कू से भी काट सकते हैं। तो और इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं लगा रही हूँ काली किशमिश। आप मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो थोड़ा किशमिश लगा रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पिस्ता डालेंगे गार्निश के लिए। तो ये हमारी व्रत में खाने वाली झटपट सी फलाहारी बर्फी बनकर तैयार है। ये देखिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। व्रत में अगर झटपट से कुछ मीठा खाने का मन है तो ये राजगिरे की फलाहारी बर्फी ज़रूर बना के खाइएगा, आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर आज का वीडियो और आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।